नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम फिर से यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में यूनिट डिजिट से और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट को मैं एक ही पार्ट में खत्म करता, लेकिन किसी कारण बस मुझे वहीं पर तुरंत क्लास को रोकना पड़ा, इसीलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और फिर से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो पार्ट वन में जो डिस्कस किया था, जैसे कि हमारा कितना नंबर हो सकता है, एक से लेके नौ तक, मीन्स 10 नंबर से कोई भी संख्या 10 नंबर से ही बनता है। और हम लोगों ने कितने नंबर तक डिस्कस कर लिया था, 0, 1, 5 और 6। इस पे ये रूल था कि इस पे कितना ही पावर आए, कोई भी पावर आए, ऑड पावर आए, इवन पावर आए, छोटा पावर आए, बड़ा पावर आए, इसका यूनिट डिजिट जो हमेशा निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। फिर हम लोगों ने 4 और 9 से कुछ फैक्ट देखे थे कि 4 पे कोई भी ऑड पावर आए तो उसका, 4 पे कोई भी ऑड पावर आए, कोई भी ऑड पावर, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 4 ही रहेगा, और 4 पे कोई भी इवन पावर आए तो उसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा 6 ही रहेगा। फिर 9 पे कोई भी ऑड पावर आए तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 9, और 9 पे कोई भी इवन पावर आए तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 1 आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक, लेकिन हम लोगों ने 4 और 9 से कुछ मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया था, जो वो हम आज करेंगे। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 4 पे पावर 1 है, फिर प्लस 9 पे पावर 2 है, उसके बाद मतलब ये कंसिस्टेंटली चल रहा है। हम देखेंगे कि 4 पे जो 1 पावर है, फिर 4 पे 3 पावर है, फिर 4 पे 99 पावर तक जाता है, मीन्स 4 पे बस ऑड पावर है और 9 पे जो है बस इवन पावर है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए 4 पे आपको पता है ये 50 बार लिखा गया है, और 50 मतलब 100 बार लिखा गया है, 50 बार 4 को और 9 को भी 50 बार लिखा गया है। तो हमको पता है कि 4 पे कोई भी ऑड पावर हो, कोई भी ऑड पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। तो 4 कितनी बार लिखा गया, 50 बार, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 200 आएगा, मीन्स 4 इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। फिर अगर हम प्लस करके देखेंगे तो 9 पे जो है वो बस इवन पावर है, और 9 पे कितना ही इवन पावर हो, कोई भी इवन पावर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा। तो 1 को फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 50। तो 0 में 50 को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में आपका क्वेश्चन है, 50 प्लस करेंगे तो 50 आएगा इसका आंसर, मीन्स यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 0 आएगा, मीन्स इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा, और इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा और कौन कौन सा नंबर बचा। हम लोगों ने 0, 1, 5, 6 फिर 4, 9 को पढ़ लिया। फिर हमारा जो बचता है वो बचता है 2, 3, 7, 8। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि आपका 1, 2 आया और इस पर कोई पावर दे दिया जाता है, लाइक आपको पावर दे दिया जाता है 38, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन चारों की यूनिट डिजिट, मीन्स इन चारों की यूनिट डिजिट जो है हर 4 पावर के बाद रिपीट होता रहता है। तो कैसे रिपीट होता है, जैसे 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 है तो 2, इसका यूनिट डिजिट 2 का पावर 2 तो 4, फिर 2 का पावर 3 तो 8, 2 का पावर 4 तो इसका 16, मीन्स इसका यूनिट डिजिट 6। फिर जो हम स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 5 से तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, फिर 2 का पावर 6 भी, उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं और उसमें देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे 2 पे पावर 37, और हमने कहा कि 2, 3 फिर 7 और 8 से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको मतलब ये जो इसका यूनिट डिजिट है हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी कितना ही बड़ा पावर हो, जैसे 2 पे अगर हम कितना पावर ले लें, जैसे देखिए ये लेते हैं 1234, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो ये बड़ी संख्या है तो हम इसके लास्ट वाले टू डिजिट को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना बार में ये कटेगा, 8 टाइम्स में जाएगा ये 32, तो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2। तो फिर हम 2 पे 2 पावर को रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4, मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे 2 पे पावर है 37, तो 2 पे पावर है 37 तो उसको हम कैसे करेंगे, 4 से 37 को डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 36 बजेगा और आपका रिमाइंडर में आएगा 1। तो ये रिमाइंडर थ्योरम भी है, तो रिमाइंडर में आएगा 1 मीन्स 2 का पावर 1 मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 आएगा। फिर उसके बाद 2 पे पावर 40 है, 40 तो 4 से पूरे 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 डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 40 फोर से, तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो हमारा रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर हम 4 रखेंगे, और 2 पे पावर 4 रखने का मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट, हमारा यूनिट डिजिट पूछा गया तो हम बस यूनिट डिजिट से हमको काम है, 16 से हमको काम नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 6। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मुझे वो पिछली क्लास जो है वो मुझे वहीं पर रुकनी पड़ी थी, इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगा। और तो ये है हमारी वीडियो का अंत, बताइए क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो पहले मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर एग्जाम्स को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टैप करें, और बाय हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।